वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना होगा 4 जून का, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट में शार्प फॉल आया एंड इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द लो लेवल्स। अब क्या है कि इस गिरते हुए मार्केट में, बिफोर आई गो ऑन दैट, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा आज मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, कोल पैल, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, हिंद यूनिलिवर, ब्रिटानिया। ईच ऑफ स्टॉक, ईच ऑफ देम हैव गिवन मैसिव ब्रेकआउट। वेक्टर फूड, इमामी लिमिटेड, कौन सा स्टॉक था जिसने, हेरिटेज फूड, कौन सा स्टॉक था जिसने आपको मूवमेंट नहीं दिया? प्लीज राइट अ कमेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर्स। यू नो, लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द बेस्ट रिसर्च फॉर यू। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू नो, इन द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एवरी पेनी दैट वी गोना अर्न फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो इज गोना गो टू द एजुकेटिंग चिल्ड्रन। आप लोगों का ये कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट होगा अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट लिखेंगे। ये सब यूट्यूब की एल्गोरिदम में आएगा, इससे हमारी रीच जो है बढ़ेगी और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ रियली एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन। एनीवे, आज शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस गिरते हुए मार्केट में मैंने आपके लिए दो स्टॉक्स निकाले हैं जो कि बहुत रॉबस्ट उनके पास ऑर्डर बुक है और दे हैव शोन रेजिलियंस, दे हैव शोन स्ट्रेंथ। गिरते हुए मार्केट में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है ना, वो वर्थ एक्यूमुलेशन होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, बात करती हूँ आप लोगों के साथ। लेट मी जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन दैट आई वॉन्ट टू शो यू। एंड आप लोग साथ साथ, आप वेट मत करिए वीडियो खत्म होने का और सुनने का मुझे, आप साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बात नहीं बनेगी नहीं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है TRIL, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, राइट? सो दैट्स द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर देखते हैं तो दिस स्टॉक इज ऑफ अबाउट 10,442 करोड़, पी थोड़ी ज्यादा है 236, आरओसी इज अबाउट 14.8 एंड आरओई इज अबाउट 9.33। Company has reduced debt, company has delivered good profit growth of 57.2%, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको बाय के लिए दिया था 75 रुपीज पे। रिपीटेडली मैंने इसको यूट्यूब पे बाय के लिए दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट गिरा है, इनके पास रॉबस्ट ऑर्डर बुक है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड दिस शुड बी अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। लोग बहुत मुझसे पूछते रहते हो कि कोई लॉन्ग टर्म का ऐसा स्टॉक जो लेके भूल जाए। सॉरी, लेट मी शो माई स्क्रीन। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हम लेके भूल जाएं, तो दिस इज वन स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू फॉरगेट एंड कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एट द लोअर लेवल विदाउट गेटिंग वरीड। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट गिविंग यू मोमेंटम स्टॉक, आई एम गिविंग यू अ वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक, राइट? तो इसको आप ध्यान पे रखिए। तो इसमें कुछ कॉन्स भी है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज हाई डेटर डेज एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीट्स है। तो काफी सारे रेड फ्लैग्स हैं, बट काफी सारे पॉजिटिव्स भी हैं। अगर आप इनकी सेल्स देखते हैं, इनकी सेल्स जो है लगातार बढ़ी है, 2021 से लेके अब तक ऑलमोस्ट लाइक डबल हो चुकी है इनकी सेल। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देखिए, देयर इज अ ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 3 to 8 to 10 to 15%। अगर हम एपीएस की बात करें तो एपीएस भी लगातार इसमें ग्रो कर रहा है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली ग्रोइंग, राइट? अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो भी सेल्स ग्रो कर रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहे हैं। तो आप इसके प्लीज फंडामेंटल्स चेक करिए, बिकॉज वांट टू मेक इट अ वेरी स्मॉल वीडियो। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी ग्रो कर रहे हैं, और बोरोइंग्स जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 50%, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज प्रीटी मच डिसेंट। और अगर हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड द प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। This is how you can see the profits growth every time. Okay, net cash flow की बात करें तो कहीं पे थोड़ा सा negative भी है, but not big concern. But debtor days की बात करें तो थोड़ा सा increase हुए, but ROC जो है वो stable है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है प्रोमोटर्स होल्डिंग में। एट द सेम टाइम FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो ये एक इसके बारे में फैक्ट्स है। और फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस, यू नो,
टीआरएल के बारे में कि इसने इट हैज गिवन अ 250% क्लाइम इन लास्ट 6 मंथ्स, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो इसने ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स करेक्ट कर दिया है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने ऑर्डर विन किया है 359 करोड़ का, विथ 161 करोड़ इन एक्सपोर्ट एंड 198 करोड़ फॉर डोमेस्टिक जॉइंट अदानी एल एन टी। अगर हम फाइनेंशियल फ्लैश की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो Q4 में था वो रॉबस्ट 512 करोड़ था, और मेकिंग अ 16.96 ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। प्रॉफिट की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 72.9 करोड़ के, एंड पैट वॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 333% इंक्रीज टू 41.62 करोड़। अगर हम इनकी बात करें कि इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट लाइक स्टनिंग 700% रिटर्न मिला है, और अगर हम बात करते हैं इनके ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ की तो दे हैव अ सॉलिड ऑर्डर बुक ऑफ 2582 करोड़। इसके प्राइस सेक्शन की हम बात थोड़ी देर में करते हैं, तब तक मैं एक और स्टॉक भी डिस्कस आप लोगों के साथ कर लेती हूँ जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, और स्टॉक का नाम है तिलक नगर। राइट, इस तिलक नगर में आज बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत बड़ा बाइंग आई है। राइट, सो तिलक नगर इंडस्ट्रीज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर। राइट, आप अगर देखेंगे तो आज रैडिको खेतान जो कि एक लिकर मेकिंग कंपनी है, यूनाइटेड ब्रूरीज जो कि लिकर मेकिंग कंपनी है, देन यू हैव मैकडॉवेल, देन यू हैव सुला विन्यार्ड्स, इन सब में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है, सब में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। द कंपनी इज अ मेकर ऑफ इंडिया हाइएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी मैंशन हाउस ब्रांडी। द कंपनी सेल्स ओवर 15 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ब्रांडी, विस्की, जिम, रम एंड वोडका। राइट, सो अब अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो ब्रांडी से 93% है, रम से 5% है, विस्की से 1% है, वोडका एंड जिम से 1% है। अगर इनके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक से 92% है एंड एक्सपोर्ट से 8% है। सो क्विकली इनके फंडामेंटल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर वी रियली गो ऑन टू द प्राइस पॉइंट। 4,766 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 33.8 की है, आरओसी इज अबाउट 22.3 एंड आरओई इज अबाउट 25%। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.5 सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर्स, एंड कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 ईयर्स आरओई इज अबाउट 27.2%। और अगर हम इनके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, टैक्स रेट सीम्स लो, प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स। तो इसके आप देख सकते हो इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रूअर्स, रैडिको खैतान, पिकाडिली एग्रो, सुला विनयार्ड, इंडिया गाइकोल एक्सेट्रा। सेल्स की बात करें तो आप देखिए 2021 से लेके अब तक सेल्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो एक स्टेबल 13% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी स्टेबल है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ग्रो कर रहे हैं। ईयर इन ईयर की बात करें तो डेफिनेटली देर इज ग्रोथ इन द सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो ऑल दीज फंडामेंटल्स लुक गुड। आई विल क्विकली लुक इन टू इफ देर इज अ रेड फ्लैग समवेयर और नॉट। सो हियर इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर डेफिनेटली डिसेंट एंड दे हैव बीन ग्रोइंग आफ्टर अ डिप इन 16, 17, 18 से इन्होंने अपने रेवेन्यूज अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना शुरू किया है। डेटर डेज की बात करें तो स्टेबल है 110 पे, और आरओसी की बात करें तो 16% 13% पे स्टेबल है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 49% से रिड्यूस होके 40% पे आ गए, धीरे धीरे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, फ्रॉम 1.91% से बढ़ा के 11.39% किया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो ये इसके फंडामेंटल्स आर नॉट रियली बैड बट दे आर प्रीटी डीसेंट। अब हम बात करते हैं इनके प्राइस की। ये आपके सामने टीआरआईएल का वीकली चार्ट है, और मैं इसका डेली चार्ट भी आपके सामने लगाती हूँ। ये टीआरआईएल का वीकली चार्ट है, और जब हमने इनको बाय आपको बाय किया था इट वॉज एट 75, यहाँ पे बाय था इस जगह पे। आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं और यू कैन चेक द टेलीग्राम चैनल। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखाई देती है, वी कैन बाय अबव प्रे पास्ट बैरियर्स। इसने डबल टॉप बना रखा है और वो है 775 के आसपास। अगर ये स्टॉक 775 के ऊपर जाता है आप इसमें बाइंग कर सकते हैं,
और अगर ये बाई एनी चांस 552 तक गिरता है, आप इसमें और एक्युमुलेशन कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट गिविंग इट यू फॉर वन डे टू डे, डोंट कम बैक हियर एंड राइट कि आपने 775 बोला था, अब तो ये गिर के 600 पे आ गया है। सो आप 550 तक गिरते हैं तो और एक्युमुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है बेस्ड ऑन देयर यू नो ऑर्डर बुक, बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स। सो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर ऑफ रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, 772 पे बाय कर सकते हैं और एक्युमुलेट कर सकते हैं अगर ये 550 पे गिरता है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है। टारगेट्स इसमें रहेंगे 800, 900, 1000, 1100, 1200 के आने वाले समय में। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बोला है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर इंडस्ट्रीज को आप देखिए, कल जो मार्केट गिरा है ये स्टॉक भी गिरा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरा है, स्टॉक भी गिरा है, बट द काइंड ऑफ रेजिलियंस इट हैज शो, काइंड ऑफ रेजिलियंस द स्टॉक हैज शो इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, राइट? शार्प बाउंस आया है और आज जो इसमें बाइंग है उसने पास्ट बैरियर को डिमोलिश किया है। तो अब हमको बाइंग कहाँ पे करनी है? हमको बाइंग करनी है एट द लेवल ऑफ 250, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप यहाँ पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, विच इज ऑफ 183। 183 तक आप इसमें और एक्युमुलेट कर सकते हो। और टारगेट्स इसके आने वाले दिनों में क्या रहेंगे? आने वाले दिनों में इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपको मिलेगा 290 तक का टारगेट मिलेगा, और अगर ये 290 क्रॉस हो जाता है विच इज लाइफ टाइम हाई, यू कैन लुक फॉर 325, यू कैन लुक फॉर 350, यू कैन लुक फॉर 400 एज योर कमिंग ऑफ टारगेट्स, राइट? और इसको ध्यान में रखिए, सारे लिक्विड स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है, तो आपको स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता है वो दिखाई देता है वॉल्यूम्स के साथ। एंड लुक एट द अर्निंग्स, दे हैव हैड द अर्निंग्स ऑन 21st of May, एंड दैट सीम्स टू बी इनसेन, दैट इज व्हाई द प्राइस इज रियली शोइंग यू दिस ट्रेंड। तो इसको रडार पे रखिए, और इसी तरह स्टॉक को मुझे मेरे चैनल को हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए, पैसा बनाते रहिए। किसी भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक आपने देखा होगा, मैं बजाज ऑटो आपको कम से कम 10 दिन से लगातार बोल रही हूँ, 10 दिन से लगातार। अगर आपने मेरी बातों को सुना, आपने हीरो मोटो को सुना है, कल मैंने जो वीडियो में बोला था, आपने यूनाइटेड ब्रूरीज के बारे में सुना है, अगर मैंने कल बोला था, अगर आपने एफएमसीजी सेक्टर के बारे में जब बोला था और सुना है और अपने पैसे बनाए, तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, इतना ही सपोर्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपको उसे। वी डोंट वॉन्ट एनी मनी। आप अगर सीखना चाहते हैं उसके लिए हम चार्ज करते हैं, बिकॉज हमारे मेंटर्स लगते हैं, 1 साल का समय लगता है और बहुत सारा काम किया जाता है आपके साथ। That is why we charge money. Otherwise, if I wish I could do that free, I would do it. But you know, like the mentors are also giving 24 hours, and they need to support their families, their parents, their children. So it is, they need to be paid. And we have a backup team. पूरा आपके videos वगैरह restore करते हैं, edit करते हैं, upload करते हैं। तो वो सब support के लिए हमको चाहिए होता है पैसा। Otherwise, you've been all very, very good supporter. All the best and see you in the next video. Love you guys to the most. All the best. See you in the next video. So that's about for today's video.